नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। 3 से 10 तारीख तक चलने वाली शिविर, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अराजकता का भेंट चढ़ता नजर आया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद शिविर के पहले दिन ही बड़ी संख्या में महिलाएं चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय और टाउन हॉल दोनों जगह दिखी, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने वाला कोई पदाधिकारी नहीं दिखा। महिलाओं की आई भीड़ पर काबू करने वाला कोई नहीं दिखा। हालांकि इस पूरे मसले पर पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। वहीं नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी सही से नहीं की गई। भीड़ की खबर सुन कुछ देर बाद नोडल पदाधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन अराजक स्थिति को लेकर इतना कहा कि उनकी ड्यूटी कहीं और थी, कल से सब कुछ सही हो जाएगा। खैर, राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत लगने वाली शिविर में पहुंची, जहां उनका निबंधन होना है। इधर नगर परिषद कार्यालय स्थित शिविर का उद्घाटन झामुमो नेता अशोक मंडल और कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नगर भवन में सीओ कृष्णलाल मरांडी ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय हांसदा ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान से जुड़ा योजना है। शिविर 3 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं शिविर में पहुंच इस योजना का लाभ ले सकती हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के साथ आम जनता जनमानस से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां लाभुकों को लाने का काम करें, ताकि एक भी महिला इस सम्मान से वंचित ना रह जाए। इधर शिविर में पहुंची महिलाओं के बीच काफी रोष दिखा। महिलाओं का कहना है कि उन्हें आवेदन फॉर्म तक नहीं मिला, जिस कारण वो आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। उन्हें उनका फॉर्म दिलवाने का काम करें। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने उन्हें फॉर्म नहीं दिया है, जबकि सेविकाओं का कहना है कि उन्हें फॉर्म कम मिला है। आंगनबाड़ी क्या बोल रही है? क्या आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना तो महिलाओं को सम्मान के उद्देश्य से आरंभ किया गया है, जो दिनांक 3 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगी। इसमें 21 वर्ष से 50 वर्ष की जितनी भी महिलाएं होंगी, जो भी सुयोग होंगे, वो नगर परिषद क्षेत्र में दो जगह, नगर परिषद कार्यालय में और टाउन हॉल में कैंप लगाया गया है। इसमें वो आवेदन समर्पित कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप सभी मीडिया वालों से और नगर परिषद वासियों से ये अपील करेंगे कि जितने भी सुयोग लाभुक हैं, उनको अधिक से अधिक इसका लाभ दिलाएं, उनको जुड़वाएं और उनसे अपील करें कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें।